गोला फेंक के लिए गोला पकड़ने की टेक्निक्स का विशेष महत्व है। वीडियो स्क्रीन को देखे गोला इसी तरह पकड़ना है। गोला हथेली पर न रखें, स्क्रीन पर एरो के द्वारा बताए गए हिस्से पर रखें। अंगुलियों और हथेली के ज्वाइंट से गोला बिल्कुल मामूली सा ऊंचा रखें। गोले के लिए पोज बनाते हुए गहरी सांस लें और फेंकें। इससे गोला ज़्यादा दूर जाकर गिरेगा। इस टेक्निक्स को यूज़ करने से जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे 2 फुट ज़्यादा दूर जाकर गोला गिरेगा। गोला फेंक वाले दिन गोला फेंक साइट पर बताए गए समय से 15 मिनट पहले पहुँचे, क्योंकि प्रतियोगिता शुरू होने से पूर्व वहाँ उपस्थित पुलिस कर्मियों द्वारा गोला फेंक संबंधित दिशा निर्देश बताए जाते हैं। गोला फेंकने के लिए गोला सर्कल के अंदर जाना कहाँ से है और बाहर कहाँ से निकलना है यह भी पूछ लें। यदि आप गलत दिशा से गोले में प्रवेश करोगे तो फाउल माना जाएगा। जनरली गोला सर्कल के पिछले वाले हिस्से से जहाँ पर कट लगा होता है से प्रवेश करते हैं और बाहर भी वहीं से निकलते हैं। शॉट पुट के दौरान इधर उधर न देखें, 45 डिग्री डायरेक्शन में देखें। गोला फेंकने के लिए पोज बना ले, गहरी सांस ले और तीव्रता से सांस बाहर निकालते हुए गोला फेंके। तीव्रता से सांस बाहर निकालते समय मुंह से नेचुरली आवाज आएगी, हा। यह आवाज संकेत करती है कि आपने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर लिया। हालांकि आवाज निकलना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आवाज निकालना जरूरी नहीं है, यह नेचुरली निकलती है। गोला फेंक से कम 15 सेकंड का बॉडी वार्म अप जरूर कर लें। पुश अप्स और पुल अप्स करने से कमर के ऊपर की मांसपेशियों में, स्पेशली शोल्डर में, हाथों में और कलाई की मांसपेशियों में ताकत बढ़ती है, जो कि गोला फेंक के लिए जरूरी है। कम से कम एक दिन छोड़कर दूसरे दिन पुश अप्स जरूर करें। यदि हथेलियों में पसीना आता है तो गोला फेंक के समय कॉटन का रूमाल या तौलिया साथ रखें। हथेलियों के पसीने के कारण गोला स्लिप होता है। बारीक मिट्टी लगाकर भी हथेलियों का पसीना पोंछ सकते हैं। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।